देखिए, हमने अभी तक जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लिए थे और पीछे की एक्सरसाइज पूरी कर ली थी हमने सेकंड चैप्टर की। अब हम आते हैं ई लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। फर्स्ट आपका, हाउ डज स्वामीनाथन कन्वेंस हिज फादर, अपने पिता को कैसे मनाया स्वामीनाथन ने स्कूल ना जाने के लिए? तो इसका आंसर जो है मैं आपको वर्बली बता देता हूं, उस चीज को आप लिख लीजिएगा। स्टार्ट करिए आप लिखने से, ही कुड नॉट कन्वेंस हिज फादर for not going to the school, but he tried explaining, tried to explain how violent his teacher Samuel was, कि कितना violent उसका teacher Samuel है। he said के बाद आप ये पूरा paragraph लिख लिए छोटा सा, है ना? तो इसके बाद आपका आंसर पूरा हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज स्वामीनाथन बिहेव इन क्लास, व्हाई, किस तरह का बिहेवियर शो करा स्वामीनाथन ने अपने क्लास में और क्यों? तो इसका जवाब भी जो है मैं आपको वर्बली समझा देता हूं, आप उसे लिख लीजिए जैसे जैसे मैं बताऊं। स्वामीनाथन ट्राइड टू प्रोवोक हिज टीचर सैम्यूल by saying he did not done his homework, and then he also tried to disturb the class when teacher was explaining about Vasco da Gama. He said, I can't believe it, it is unbelievable sir. Why such a unbelievable sir, such a great man would he have not known the way? क्या उस महान इंसान को नहीं पता था रास्ता? और ये उसने कहा चिल्लाते हुए। He said it shouting, ये लिख लिएगा आप। And in the third time, Swaminathan also disturbed the class when the teacher was explaining about Mughal period. Then he got beaten up by his teacher. देखिए, ये तो आपके पहले का जवाब हो गया, ठीक है, कि उसने किस तरह से बिहेव करा अपनी क्लास में। अब सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर है, व्हाई, क्यों करा ऐसा? तो इसके जवाब आप लिख लिए, बिकॉज ही हैड टू कन्विंस द हेडमास्टर दैट सैम्युअल इज अ वायलेंट मैन, क्योंकि उसे समझाना था हेडमास्टर को कि सैम्युअल एक काफी गुस्सैल इंसान है। ठीक, इतना आप कर लिए दो क्वेश्चन।